आप सुन रहे हैं माई टॉपिक द स्टेपरी विद द बॉय ऑन द ऑटोमोबाइल। ओके तो हाय गाइस, दिस इज पुलकित। वेलकम टू माय शो माय टॉपिक द स्टेपरी। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पर्सनालिटी के साथ आज बात करने वाले। वो इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी इसलिए है क्योंकि गाइस वो एक राइटर है, उन्होंने अपनी किताब लिखी है। पैशनेट काफ़ी हैं बिकॉज जॉब भी करते हैं और अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं और तो बिल्कुल लगा क्यों ना इनको बुलाया जाए और इनसे बातें बातें की जाए। तो इनका नाम है, मेरे को इंट्रोड्यूस करने दो, इनका नाम है हर्षित गुप्ता। हर्षित गुप्ता एक राइटर है। तो कैसे हर्षित, हाउ आर यू? बस फाइन फाइन। और क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस अपनी जॉब से रिलेटेड चल रहा है और लॉकडाउन जैसा चल रहा है तो लॉकडाउन में लॉकडाउन भी फॉलो किया जा रहा है और अपनी जॉब भी फॉलो की जा रही है। ओके तो आप कहाँ जॉब करते हैं? मैं एक्चुअली प्राइवेट कंपनी में हूँ बट आई वर्क फॉर रेलवे। सो हमारी सर्विसेज जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज में आती है। सो चाहे लॉकडाउन लगा हो या ना लगा हो उसका हमें कोशिश नहीं होता, कंटिन्यू हमारी जॉब करनी ही पड़ती है। भले उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स भी होती है ट्रैवलिंग में और लोगों के साथ थोड़ा मेल जोल रखने में और बहुत सी चीजें प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं होता है प्रॉब्लम। तो जैसा आम लोगों के लिए लॉकडाउन वैसा हमारे लिए लॉकडाउन नहीं है। वो तो है बिकॉज इमरजेंसी सर्विसेज हैं तो उसमें तो फिर रहना ही पड़ता है। ओके अगर आप मुझे अलाउ करें तो कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस? या श्योर। ओके ओके सो गाइस, मैं इनसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ बहुत सारे। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है हर्षित आपसे, वो वैसे आपने आंसर दे दिया है फिर मैं पूछना चाहूँगा, हाउ वॉज योर लॉकडाउन? क्वाइट इंटरेस्टिंग भी था, थोड़ा स्ट्रगलिंग भी था क्योंकि ऑलमोस्ट लॉकडाउन को होके कहीं ना कहीं 2 साल पूरा होने जा रहा है। ऑलमोस्ट लास्ट मार्च तो ये मार्च भी कंप्लीट हो गया और ऑलमोस्ट ये हाफ ईयर भी निकल ही चुका है कहीं ना कहीं और साल भी एंड होने जा ही रहा है कहीं ना 2-4 महीने के बाद। तो हमारे लिए वैसा, मेरे लिए पर्सनली देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ बट मेरे लिए पॉजिटिव इसलिए रहा क्योंकि लॉकडाउन में ही मैंने अपनी बुक भी कम्प्लीट की क्योंकि काफी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो लॉकडाउन का जो टाइम था वो मैंने उसको यूटिलाइज किया लॉकडाउन के टाइम को और कहीं ना कहीं मैंने मेरी बुक पब्लिश की। और मुझे सब काम को करने में मेरे जॉब के साथ एक्चुअली भले लॉकडाउन था लेकिन उतनी परफेक्टली मतलब इतनी स्मूथली चीजें नहीं हो रही थी। जॉब थी लेकिन थोड़ा काम था तो थोड़ा समय निकल जा रहा था कहीं ना कहीं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो जो भी रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे और उसके इमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो किया, बुक कम्प्लीट हुई और बुक पब्लिश भी हुई और कहीं ना कहीं बुक अच्छी भी चली। भले थोड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो बुक डिलीवरीज थी वो कहीं ना कहीं अमेजोन ने बैन कर दी थी तो थोड़ा बहुत उसमें नुकसान भी हुआ लेकिन अच्छा रहा कि एटलीस्ट भले टाइम निकला हमारे पैशन के लिए और वो चीजें कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी। बाकी उसी लॉकडाउन में मेरी एक्चुअली शादी भी हुई, जब दिसंबर में मेरी शादी भी हुई तो चीजें मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी तरीके से जो मतलब ग्रैंड लेवल पे होनी थी बट स्मूथली छोटे लेवल पे ही हो सकी लेकिन कहीं ना कहीं हो गई वो चीजें। तो अच्छा लगा कि थोड़ा माइनस पॉइंट भी और थोड़ा प्लस पॉइंट भी रहा। तो कांग्रेचुलेशंस इस चीज के लिए भी कि आपकी शादी होगी लॉकडाउन में जो बहुत मुश्किल है। आई गेस सारे परिवार वालों को इकट्ठा करना और सबको मनाना कि लिमिटेड गेस्ट आ सकते हैं, ज्यादा नहीं बुला सकते, और मनाना सॉरी मांगना कि आई नो आई कैन अंडरस्टैंड। तो मतलब आपका मतलब देखा जाए तो लॉकडाउन ठीक ठाक गया? करेक्ट। ओके ओके तो अब टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप कुछ अपने बारे में बताइए। एंड आपने जो ये बुक लिखी उसका नाम है हम नफ़स, राइट? कुछ इसके बारे में बताइए, पहले आप अपने बारे में बताइए फिर आप अपनी बुक के बारे में बताइए। जैसा कि है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ और अपने वर्किंग हॉलिक्स होने के साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो करना है। तो 9 to 5 जॉब है और उसके साथ साथ आपको अपनी फैमिली भी लेके चलनी है, अपना पैशन भी लेके चलना है। तो एक कॉमन पीपल है बट कोशिश यही रहती है कि आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर सकूं कहीं ना कहीं। और एक राइटर
कोई भी अगर बनता है तो कोई राइटर आपसे या हमसे कोई अलग नहीं होता है, एक कॉमन पर्सन ही होता है, बट एक राइटर का जो नजरिया होता है चीजों को देखने का, वो थोड़ा सा अलग वे में देखता है। बहुत लोग जिन चीजों को कहीं ना कहीं रिएक्ट कर जाते हैं वो एक राइटर नहीं करता है। वैसे ही मैं हूँ, मुझे मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, मेरे नेबर्स हैं, मेरे कोवर्कर्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरी सोशल गैदरिंग्स है, तो कहीं ना कहीं मैं, मेरा नेचर वैसा है कि मैं उसमें कहानियां ढूंढना पसंद करता हूँ। हर किसी की लाइफ में कहानी होती है और कहीं ना कहीं आप किसी चीजों से इंस्पायर करते हैं उस चीज़ को, तो जो भी आपको कहानियां मिलती है मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उनकी लाइफ से वो कहानियां उठा सकूं और उनकी लाइफ में वो जगह दे सकूं। और जैसे मेरी बुक हाँ हमनफस है, तो हमनफस भी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ की 25 वुमेन्स की स्टोरीज है, चाहे मैं उनसे जिस रूप में मिला हूँ। और वुमेन्स मेरी वुमेन्स मतलब एक्सेस नहीं, वुमेन्स मतलब हमारी लेकिन जैसा लोग सोलमेट का मतलब गलत निकाल लेते हैं कि सोलमेट का मतलब सिर्फ आपका लाइफ पार्टनर नहीं होता या वो आदमी नहीं होता कि जो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ जिंदगी बिताए। सोलमेट कोई भी हो सकता है, मतलब जिसके आप सबसे ज्यादा करीब, जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो, वो करीब कोई भी हो सकता है। आपकी माँ हो सकती है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी दादी माँ हो सकती है। तो हमनफस मेरी लाइफ की ऐसी ही मतलब 25 वुमेन्स की स्टोरी है, जिनसे मैं सबसे ज्यादा क्लोज रहा हूँ, या शायद जिनसे जिन्होंने मुझे रुलाया भी है, शायद जिन्होंने मुझे हंसाया भी है, जिनसे मैंने कुछ सीखा भी है, और जो मुझे छोड़ के गए भी हैं। तो कुछ ऐसी ही मतलब आसपास के लोगों की मेरी पर्सनल लाइफ से ये एक मेमोयर है कहीं ना कहीं, और उन्हीं से रिलेटेड स्टोरी है। इसमें मेरी माँ भी है, मेरी सिस्टर भी है, मेरी टीचर्स भी है, मेरे सोशल गैदरिंग की फ्रेंड्स भी हैं, मेरी एक्सेस भी है, मेरी वाइफ भी है। तो हम जिससे जिससे सीखते हैं, जो भी हमें हमारी लाइफ में एक पार्ट अदा करता है हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं, तो ये सब उनकी जिंदगी से रिलेटेड एक एक मैंने कहानी निकालने की कोशिश की है, और ये 25 स्टोरीज का एक स्टोरी कलेक्शन है। तो आपको कितने साल लग गए इसको लिखने में? स्टोरीज ऑलमोस्ट ये वन टाइम बैठ के नहीं लिखी गई है। लिखने का शौक जब बचपन से रहा है, तो ये हर एज में, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी 25 वुमेन्स आपके लाइफ में एक साथ नहीं आती, वो आपकी लाइफ हर एरा में आती है, कहीं बचपन में आती है, कोई किसी एज में आती है, कोई किसी एज में आती है। तो ये कहानी भी मतलब वैसे ही लिखी गई है, कोई 15 साल में लिखी गई है, कोई 22 साल में लिखी गई है, कोई 20 साल में लिखी गई है। तो ये मतलब पिछले 10 साल का पूरा कलेक्शन है, तो उस तरह से इसको जमा किया गया है। और जब उसको लगा कि नहीं, अब एक फेस आ गया है कि इसका वॉल्यूम 1 एटलीस्ट निकल सकता है, एक लाइफ तक की, बचपन से आप अपनी मैरिज तक की, या एक मिडिल एज तक की आप अपनी स्टोरी लिख सकते हैं, तो उस तरह का फिर इसको कलेक्शन किया गया है। तो मतलब बेसिकली आपको बचपन से पता लग गया था कि लाइक इन स्कूल डेज कि आप एज अ राइटर बनना चाहते हैं और आप इस चीज को फर्दर लेके जाना चाहेंगे आगे। जैसे लोगों को डायरी लिखने का शौक होता है, मुझे भी वैसे मैं डायरी तो नहीं लिखता था, बट हाँ मुझे लेटर्स लिखने का बहुत शौक था, क्योंकि मैं मेरे फादर से काफी दूर रहता था उस टाइम पे। मैं मेरे माँ मम्मी के पास, अंकल के पास रहता था, तो मेरे फादर अलग स्टेट में रहते थे, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे 90s के टाइम में, 90, 95, 96 के समय में ज्यादा टेलीफोन्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो कहीं ना कहीं लेटर्स ही हमारे बात करने का एक माध्यम होता था उस टाइम पे। तो हमने फिर से मैंने वो लेटर लिखना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं वो लेटर लिखना और अपनी बात को एक्सप्रेस कैसे करना है, भले हम बचपन में वो छोटी छोटी शिकायतें करते थे पापा से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते, मतलब हर चीज। तो जब उन आपकी बातों को कहने के लिए आपको एक आवाज मिलने लगी, तो वो कहीं ना कहीं लेटर से शुरू होते होते, डायरी से होते होते, फिर वो उसने बुक का रूप लिया है। मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन ये है, why choose writing field and what was your inspiration behind writing this book? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मतलब सच कहूं तो मतलब कोई भी राइटर राइटर बनना पर्सनली कभी चूज नहीं करता। कुछ आपके सिचुएशंस होते हैं या आपकी कुछ ऐसे, आप हमेशा मतलब कभी आपने देखा होगा कि मतलब राइटर्स हमेशा वो ही बनता है जो खुल के अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, या कहीं ना कहीं आपको चीजों को अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए वैसा माहौल नहीं मिलता। एक मन के अंदर कहीं ना कहीं आपके एक टीज होती है,
ठीक है, जो जिसको आप लिख के निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं। कोई ऐसी बातें हैं, राइटर्स हमेशा लोग हमेशा बोलते हैं फिक्शन, आप फिक्शन क्यों लिखते हैं, क्योंकि कभी अब आपको अपने परिवार के बारे में लिखना है, आपकी सोसाइटी आपको इतना फ्री एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करती है कि आप उसको खुल के लिख सके। तो राइटर के पास कहीं ना कहीं एक पेन ही उसका जरिया होती है, जिसके थ्रू वो सोसाइटीज की हो गई, फैमिलीज की हो गई और आसपास की कहानियों को अपने शब्दों में बयां करता है कहीं ना कहीं, कि उसको क्या चीज पसंद आ रही है और किस चीजों के अगेंस्ट वो लड़ना चाहता है और क्या चीजों से वो मतलब अपनी सोसाइटी को या अपनी लाइफ को और लोगों की जनरेशन को बेटर बना सकता है। तो मेरा भी सेम पर्पस वही रहा है कहीं ना कहीं, कि मुझे भी कोई चीज लगी है या कुछ चीज मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाया हूँ, तो मैंने उनको कहानियों के थ्रू हो गया या एज अ फिक्शन के थ्रू मैंने कैरेक्टर्स में उनको लाइफ को डिसाइड करने की कोशिश की है, उनको डिस्क्राइब भी किया है, और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश रहती है कि उससे एक हल निकले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और उसका प्रभाव जरूर पड़ना चाहिए लोगों की लाइफ पे कि जो मैंने लिखा है वो किस हद तक जाता है सोसाइटी में और कहाँ तक वो उसको बदलने में या चेंजेस में अपनी भूमिका निभा सकता है। तो लाइक आपने जब इसको जब अपने फ्रेंड से पढ़वाया, अपने फैमिली मेंबर से पढ़वाया, तो हाउ वाज द रिएक्शन भाई? ऑलमोस्ट सभी को पसंद आई है, क्योंकि सबसे अमेजिंग रिएक्शन आपको किससे मिला और सबसे वर्स्ट किससे मिला? ऐसा बस वाला तो कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है, क्योंकि होते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलते हैं लोगों को, आप राइटर हैं, अच्छे जानते हैं ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिटिसाइज होता है हमेशा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं भी फर्स्ट टाइम मेरे पब्लिशर के पास अपनी मेमोर लेके गया था एज एन ऑटोबायोग्राफी लेके गया था, तो उसने भी मुझे यही बात की कि आप है कौन, पहली बात आपने अपनी लाइफ में आज तक किया क्या है कि लोग आपकी ऑटोबायोग्राफी पढ़े। बट कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एक सक्सेसफुल आदमी की ही ऑटोबायोग्राफी नहीं होती है, ठीक है, एक ऑटोबायोग्राफी हर इंसान की हो सकती है कि जो काम उसने किया है वो आम आदमी भी कर सकता है या उसने अपनी लाइफ में किया होगा, लेकिन एक लोगों की मेंटेलिटी और थिंकिंग बनी हुई है कि नहीं, हमें ऑटोबायोग्राफी अगर पढ़नी है तो किसी सक्सेसफुल आदमी की ही पढ़नी है। तो सक्सेसफुल आदमी आम जिंदगी के बारे में लोग जानना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज़ वो फेमस नहीं होते हैं, बिकॉज़ उन्होंने क्या किया है अपनी लाइफ में, क्या किया है अपनी लाइफ में, लेकिन ये वो हमेशा भूल जाते हैं कि वो सक्सेसफुल पर्सन तभी बना है जब वो अपनी आम जिंदगी से गुजरा है। तो, बिल्कुल ठीक है, आम जिंदगी से गुजर के ही वो उस लायक बना है। तो ठीक है, फिर भी मैंने अपने पब्लिशर की बात मानी और फिर मैंने उसको एज अ मेमोर में कुछ स्टोरीज मेमोर में ही रखी और कुछ फिर मैंने उसको एज अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन डिफरेंट जॉनर के थ्रू कैरेक्टराइज करके फिर मैंने उसको दूसरों के थ्रू करके मैंने उसको स्टोरी को फिर पूरा बुक्स को रीयूनियन किया पूरा बुक्स को अपना और फिर उसको एज अ स्टोरी कलेक्शन बुक्स का। बट फिर भी जिन्होंने भी बुक पढ़ी और ऑब्वियसली बात है कि जिनसे वो रिलेटेड है और जिन्होंने वो किताब को उठाया तो कहीं ना कहीं वो समझ जाते हैं, जो हर्षित को जानते हैं या जो मेरी लाइफ को जानते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हाँ ये वो पॉइंट बाय पॉइंट जो एक अच्छा रीडर होता है हमेशा, भले वो 25 कहानी हो लेकिन उसके पॉइंट बाय पॉइंट डॉट बाय डॉट वो कनेक्ट करता चलता है और वही एक अच्छा रीडर होता है। तो लोगों को कहीं ना कहीं वो कनेक्टिंग लग जाती है। ओके, तो मतलब बेस्ट अभी तक कॉम्प्लीमेंट अभी आप तक किस कौन सा मिला, वो कॉम्प्लीमेंट बताओ आप ही जो आपको लगा कि वाओ मतलब मैंने कुछ करा है अपनी लाइफ में। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी इंडिया के अच्छे राइटर्स हैं ऑलमोस्ट मेरी अच्छी फ्रेंड लिस्ट में है, सभी ने मतलब ऑलमोस्ट लोग पढ़ा है और अच्छे रिव्यूज भी आए हैं चाहे अमेज़न हो या लोगों के थ्रू हो। बट जैसे एक मैं हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है, तो हिंदी का कहीं ना कहीं एक मार्केट बेस्ड एक्चुअली इंग्लिश में भी आ रही है मेरी बुक, बहुत जल्दी इसका इंग्लिश वर्जन भी आ रहा है, तो पहले कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्जन ही था, लेकिन इंग्लिश वर्जन के लिए फिर जब मैं पब्लिशर के पास गया तो थोड़े बहुत मतलब उसमें जो एक स्टोरी कलेक्शन है मेमोर के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं और उसको तो पब्लिश होने में कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो मेरे पास इसका हिंदी वर्जन भी था तो मैंने उसको हिंदी के साथ जाना बेटर समझा, और हिंदी का जो मार्केट है वो बहुत थोड़ा कंजर्वेटिव मार्केट है और जल्दी इजी पिकिंग नहीं है हिंदी बुक्स की, और जैसा इंग्लिश में भी तो मुश्किल ही है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है आपके पास। बिल्कुल, ठीक है, आप पब्लिश होते हैं और आप छप के कब आप खो जाते हैं भीड़ में राइटर्स की, आपको पता भी नहीं चलता, हजारों बुक्स में आपकी बुक्स एकदम गायब हो जाती हैं एकदम से। बिकॉज लैंग्वेजेस में एक बहुत दिक्कत ये रहती है कि ज्यादातर जो प्रेफरेंस जो होती है वो इंग्लिश बुक की होती है, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेजेस, तो ये है कि बहुत अच्छी बात है कि आप हिंदी में लिख रहे हैं। हाँ,
तो हिंदी में लिखना शुरू किया और फिर मतलब जितने भी ऑब्वियसली मैंने भी अपनी बुक लिखने के लिए काफी मतलब मेहनत की और फिर उसको बुक लिखना मुझे तो लगता है कि थोड़ा इजी काम है लेकिन उसको बेचना बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली जब आप हाँ ठीक है तो जब आप मार्केट में आते हैं तब आपको पता चलता है कि मतलब आप कॉम्पिटिटिव लोगों हाँ कॉम्पिटिशन कितना है और लिटरली आप लोगों के सामने बैक करते हैं कि प्लीज मेरी बुक पढ़ लो ठीक है तो फिर कहीं ना कहीं मैं भी एक्चुअली सोशल मीडिया पे काफी इयर्स से कनेक्टेड हूँ 8-10 साल से ऑलमोस्ट चाहे वो ब्लॉग्स लिख रहा हूँ या फेसबुक के थ्रू हो गया इंस्टा के थ्रू हो गया मतलब कहीं ना कहीं लिख के पहले अपना एक रीडर बेस बनाया है लेकिन आपको उस समय झटका लगता है कि मतलब जिस रीडर बेस ने आपको इनकरेज किया लिखने के लिए बुक पब्लिश होने के बाद एकदम से वही गायब हो जाता है ठीक है अब फिर आप सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ जिनके लिए आपने लिखा या जिनके थ्रू लिखा बट राइटर कहीं ना कहीं राइटर का मतलब लिखना एक सुकून होता है उसको बिकने या ना बिकने से मतलब नहीं होता है लेकिन दुख इस बात का लगता है मतलब अगर उसकी रचना पढ़ी नहीं जाए तो फिर उसका लिखने का कोई मतलब नहीं वो जिन बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहता है जिस लोगों को कह के वो चेंजेस चाहता है तो वो अगर ना हो तो फिर उसका लिखना व्यर्थ है फिर मैंने भी मुझे भी अच्छी खासी बुक सेल हुई बट एक बेस्ट सेलर बुक हमेशा वही बनती है जिसका वर्ल्ड की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है ठीक है चाहे वो रशियन हो चाहे फ्रेंच हो चाहे स्पेनिश हो चाहे इंग्लिश हो आप हमेशा एक अच्छी बेस्ट सेलर बुक को हर लैंग्वेज में पाएंगे हर कंट्री में पाएंगे तभी वो बेस्ट सेलर होती है लेकिन एक इंडिया का जो राइटर होता है वो हमेशा अपनी ही लैंग्वेज में छप के रह जाता है वो कभी कोशिश नहीं करता कि मैं दूसरी कंट्री की भाषा में भी लिखूं या वहां के लोगों से ट्रांसलेशन कराऊं अपने बुक पहुंचाऊं तो ये मुझे थोड़ा निराशा हुई थी उस टाइम पे क्योंकि मैंने भी फिर सोचा मैंने अपनी हिंदी में लिखने का निकाली अच्छी उसका रिस्पांस आया फिर अभी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो रहा है मराठी भी हो रहा है तो इस तरह से फिर बाकी मेरे साथ अदर राइटर्स भी जुड़े क्योंकि सेल्स में हिंदी का बहुत नुकसान होता था फिर अभी मैंने भी नया स्टार्टअप शुरू किया फिर मतलब अपने मुंबई से चूंकि मुंबई में हूँ तो मुंबई से और दिल्ली दो जगह से मेरा अच्छा लिंकअप है कहीं ना कहीं मेरा रेलवे डिपार्टमेंट भी है तो थोड़ा सा उसका बेनिफिट होता है क्योंकि ऑलमोस्ट लोग ट्रैवलिंग वगैरह में पढ़ना पसंद करते हैं कहीं ना कहीं तो चाहे वो हॉकर्स के थ्रू हो गया या बहुत से वेंडर्स के थ्रू हो गया मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मतलब चाहे कोई भी राइटर हो मतलब जो भी मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड हो गए चीजें जो भी अपनी बुक्स प्रोवाइड करते हैं मैं उनको पूरी कोशिश करता हूँ सिर्फ मैं अपनी कहानियां नहीं या मेरी बुक्स नहीं मैं चाहता हूँ कि अगर एक राइटर ने लिखा है तो उसकी बुक को एक मार्केट मिलना चाहिए वो अपनी बातों से क्या कहना चाहता है मैं उनके लिए भी काम करता हूँ उनकी बुक्स को सेल करने की एक अच्छी मार्केट रीच देने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनको एक अच्छा मार्केट मिले किसी भी भीड़ के बीच में उनकी किताब कहीं खो ना जाए नाइस मतलब आपका थॉट बहुत मुझे पसंद आया कि आप कैसे अपने आप को भी प्रमोट करते हैं और आप चाहते भी हैं कि आपके साथ साथ जितने भी और लोग हैं वो भी प्रमोट हों चाहे वो एक स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं चाहे वो लार्ज स्केल पे हैं दैट्स वेल नाइस बहुत अमेजिंग थॉट है आपका ओके बुक हो गया पब्लिश भी होगी बिक भी गई फ्यूचर प्लान्स क्या है आगे के प्लान्स फिलहाल चूंकि मेरा स्टार्टअप भी फ्रेश ही है और मैं भी चाहता हूँ कि ये मार्केट ग्रो करे कहीं ना कहीं मैं भी चाहता हूँ कि मतलब इंडिया के जितने भी बेस्ट सेलर्स हैं वर्ल्ड के जितने बेस्ट सेलर्स हैं हम उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें और सबको एक अच्छी जगह मिल सके और जैसा यूरोप में भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है रीडर्स बार का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली यूरोप में उसको मतलब हम इंडिया में एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग मेरा प्लान लगा हुआ है क्योंकि हम इंडिया के कई जगह में द रीडर्स बार मेरे अपनी का अभी मैंने स्टार्ट किया है तो जैसे ये मार्केटिंग के रिलेटेड है तो वैसे ही हम अपने रीडर्स बार नाम का जितना भी रीडिंग्स लॉन्च है रीडिंग्स लॉन्च का कैफे हमारी पूरी कोशिश है कि मतलब ये इंडिया की एक चेन स्टार्ट करने की हमारा प्लान चल रहा है और बहुत जल्द सक्सेसफुल होगा ये जहाँ मतलब जितने भी अच्छे राइटर्स हैं वो अपनी बुक्स आके प्रमोट कर सकते हैं और रीडर्स के लिए भी एक अच्छे सिटी के अच्छे रीडर्स के लिए रीडिंग लॉन्च होता है क्योंकि बहुत लोगों के बीच कहीं ना कहीं आपने बार देखेंगे जिम देखे होंगे लेकिन एक रीडिंग लॉन्च आपको हमेशा कमी महसूस होती है आपको एक रीडिंग लॉन्च की जहाँ बैठ के कुछ बुक्स लाइब्रेरीज हैं भी तो वो इतनी ओल्ड जमाने की हो चुकी हैं कि मतलब वहाँ एक जो यूथ होता है वो कनेक्ट नहीं कर पाता उस जगह से फिर उसको पढ़ने के लिए चाहिए पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल वहाँ सुकून भी हो और आप मतलब एंजॉय भी कर सके उस एंजॉय भी कर सके क्योंकि अभी जो दिल्ली या मुंबई का जो यूथ हो गया है मतलब उसने लिटरेचर को मतलब ऐसा समझ लिया है कि जैसे 60-70 साल के उम्र के लोगों की पढ़ने की चीज हो एक मेंटेलिटी
थी, जब लोग लाइब्रेरी के बारे में सोचते हैं तो उनको मतलब वो टिपिकल ओल्ड लोग दिखते हैं लाइब्रेरी में पढ़ते हुए कि वो पढ़ रहे हैं बैठ के पुराना लिटरेचर पढ़ रहे हैं पुराने जमाने का, बट तो आजकल किंडल के जमाने में लाइब्रेरीज तो खो ही गई है। बिल्कुल, किंडल का अपना मजा है बट कहीं ना कहीं बुक्स की जो स्मेल होती है, ठीक है, जो भी अच्छा जो जेन्युइन रीडर होता है वो हमेशा बुक प्रेफर करता है पढ़ने के लिए। किंडल कितना भी हो जाए लेकिन किंडल आपको वो कंटेंट नहीं देता कभी, जो कंटेंट आपको बुक्स देते हैं, आप कभी भी पब्लिश होने जाएंगे किसी भी अच्छे अगर पब्लिशर से तो वो आपको सबसे पहले रिजेक्ट कर देता है, वो आपको पब्लिश करेगा जब आपको इजीली नहीं करेगा आप ना, नहीं ना। हाँ, तो वही इश्यू होता है कि किंडल में आजकल कोई भी पब्लिश हो जाता है, ठीक है, तो यही इसीलिए किंडल का कभी भरोसा नहीं है कि किंडल आपको कंटेंट नहीं देता, किंडल आपको क्वांटिटी देता है, लेकिन कभी भी आप अगर बेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमेशा आप क्वालिटी प्रेफर करेंगे ना कि क्वांटिटी। बिल्कुल, पेपर हमेशा आपको वो क्वालिटी देता है, तो पेपर के साथ, देखिए पेपर के साथ किंडल का ऑप्शन अच्छी बात है कि जिनके पास टाइम नहीं है हमेशा बुक्स के लिए या जो कभी भी मोबाइल टैक्स सेवी है तो उनके लिए किंडल अच्छा है, किंडल एक आपके पास ऑप्शन के तौर पर है, बट मेरा हमेशा मानना है कि पढ़ना चाहिए लोगों को, चाहे किंडल से पढ़े चाहे पेपर से पढ़े, बट एक हाँ एक सुकून की जगह आपके पास होना बहुत जरूरी है और एक रीडिंग लॉन्च हमेशा होना चाहिए आपके पास। अमेजिंग, ये आपका थॉट मुझे बहुत पसंद आया कि एक ऐसी ट्रेन बनाई जाए जहाँ पे एक कैफे टाइप हो ताकि लोग आके बैठें और कनेक्ट भी करें और बुक भी शेयर करें। मे बी आफ्टर दिस पैंडेमिक ये आपका शायद बहुत सक्सेसफुल हो, क्योंकि लोगों को एक दूसरे से मिलने की बहुत जरूरत है और आजकल वैसे पैंडेमिक ने सबकी जिंदगी तबाह कर रखी है और बहुत ही दुख लगता है। Anyways, let's hope for the best कि आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ हो कि सबके लिए सब रास्ते खुले, सब अपनी मंजिलों तक पहुंचे। Okay, before going, मेरा last question आपसे है, any message you want to give to the society from this platform, any particular message you want to give? लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जैसा भी पिछले 2 साल में हमने जैसा भी समय देखा है, लॉकडाउन में कुछ लोगों के लिए चीजें बहुत अच्छी भी हुई हैं, तो कुछ लोगों के लिए चीजें वर्स्ट भी हुई, तो जैसा कि हमेशा हम होप करते हैं कि मतलब कितनी भी रात हो हमेशा सवेरा होता है, और बहुत से लोगों की मतलब जिनकी जॉब गई हुई है बहुत से पैंडमिक की वजह से, कितने एक तरह का रिसेशन ही हुआ है बहुत से सेक्टर्स में, हम भी देखते हैं कि मेरे ऑफिस में जैसे लोगों को मतलब जहाँ हम 100 लोग काम करते थे वहाँ से 60 लोगों को रिजाइनिंग लिया गया है, उनको जॉब से निकाला गया है और कहीं ना कहीं लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो मेरा कहना यही है कि जिस तरह से मतलब लोग भागते हैं चीजों के पीछे, अब 2 साल के अंदर जो भी लोग घर पे बैठे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताया है, जो कहीं ना कहीं भीड़ में एक गायब से हो जाते हैं ना कि उनको पास अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं रहता था और वो चीजों को लाइफ को कहीं ना कहीं एंजॉय नहीं कर, तो लॉकडाउन ने आपको एटलीस्ट वो चीजें बताई है कि आप बहुत कम में सर्वाइव करना सीख सकते हैं। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। पास क्वालिटी टाइम होना बहुत जरूरी है कि आप उस क्वालिटी टाइम को यूज करें, हम जैसे लोग जो है जो मतलब इमरजेंसी सर्विसेज में होते हुए इस चीज का फायदा नहीं उठा पाए, हम हमेशा इस चीज के लिए रोते हैं कि अरे संडे की एक छुट्टी मिल जाए तो हम अपनी वाइफ के साथ कहीं घूम आए, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड आए, आपको वो टाइम मिला है, आपको इस चीजों को कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव वे में ही लेना है और हमेशा इस चीज को आगे कंटिन्यू रखना है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप उसी भीड़ का हिस्सा मत बन जाए दोबारा कि मुझे अब लॉकडाउन खत्म हो गया मुझे मेरी वो आजादी फिर से चाहिए, लॉकडाउन ने आपको बहुत सी चीजें सिखाई हैं कि आप थोड़े में भी लेकिन सुकून की जिंदगी जी सकते हैं, ज्यादा चीजों की तरफ मत भागिए। एंड ऑफ द पर्पस हमेशा हर किसी का यही होता है कि मैं सुकून से बैठ के 2 रोटी खा सकूं और मेरा परिवार अपने आसपास हो, एंड ऑफ द टाइम हमेशा एक आदमी यही चाहता है, लेकिन अगर आपके पास इतना सब कुछ आप देख चुके हैं लोग कैसे लोग मरे हैं, लोग किन्होंने अपनों को खोया है, सिर्फ अगर इस सिचुएशन को भी आप ना रियलाइज करके अगर फिर से आप उसी भीड़ का हिस्सा बनते हैं वही चीजें चुनते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप इन चीजों से कहीं सीखेंगे नहीं, तो इन चीजों से सीखिए, कोशिश यही रही है कि ज्यादा चीजों के पीछे मत भागिए और बहुत लिमिट में अपनी लाइफ को चलाइए और कहीं ना कहीं वो जरूरी भी है और ये एक नेचर है, नेचर अगर आप नेचर के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं तो आगे वाले टाइम में ये तो जस्ट स्टार्ट है, आगे वाले टाइम में आप भी नहीं जान सकते कि नेचर आपके साथ किस तरह का रिएक्शन करेगा और जिस हिसाब से लोग
चीजों को लेते हैं और चीजों का उपयोग करने के चक्कर में बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको आपको कहीं ना कहीं लेके ही चलना है। तो चीजें जितनी आप अपना कल बेटर करने के लिए आज जितने लिमिट में लेके चलेंगे आपका कल उतना ही अच्छा होगा। तो हर्षित की स्टोरी अगर मैं इसको मैं एक लाइन में अगर बताऊं जो कहना चाह रहे हैं कि जो हम भूल गए हैं, शायद एक सॉन्ग था किशोर कुमार साहब का, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी यहाँ पे भी खूबसूरत है ना, बस। तो वो ये कहना चाह रहे हैं इस एक लाइन में कि आपके पास जितना है आप उसी में खुश रहिए, आप भागिए मत, आप अपने वो जो कीमती समय है वो अपनी फैमिली के साथ बिताएं, वो अपने लिए डियर वंस के साथ बिताएं और उसी में एंजॉय करें, बिकॉज ये पल कब निकल जाए किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, यू नेवर नो, लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत ही डेलिकेट है, आई वुड से कि बहुत चीजें सुधर भी गई हैं इस लॉकडाउन में, बहुत चीजें बिखर भी गई हैं, तो आप जितना हो सके आप अपने आप को समेटें, अपने फैमिली के बारे में, अपने आप के बारे में सोचें, तो rather than उसी भीड़ चाल में आप जाएं और मनाली में जाके छुट्टियां बिताएं, it's better to stay at home, stay safe and enjoy your life, है ना अर्शद? बिल्कुल, absolutely। तो वही है, तो मैं इस शो को यहीं एंड करूंगा एंड थैंक यू अर्शद फॉर गिविंग अस सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड सच अ अमेजिंग आउटलुक about your life, thank you so much, बहुत मजा आया मुझे, आपको कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कहीं ना कहीं लोगों को अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहिए, और जैसा सिर्फ एक राइटर ही नहीं अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग हर कोई अपना नजरिया रखता है लाइफ के प्रति, और इस तरह से लोगों का इंटरेक्शन आपके साथ भी होना चाहिए और लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो गाइस ये था मेरा आज का शो, आई होप आपको इससे बहुत सीखने को मिला होगा और बहुत समझने को मिला होगा कि कैसे जैसे हर्षित अपनी लाइफ पे इतना कुछ कर रहे हैं और अचीव कर रहे हैं, आपको भी इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच हर्षित फॉर कमिंग एंड सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना और दुआ में याद रखना, थैंक यू सो मच, bye, take care, good, bye.